जिलाधिकारी सीएमओ ने रेलवे कॉलोनी के पास तालाब में मछलियां छोड़ी। हम आपको गम्बुसिया की खासियत बताने जा रहे हैं। इस मछली को लोग कहीं भी किसी भी प्रकार के तालाब, गड्ढे, नाली या गटर में डाल सकते हैं, जो मच्छर के लार्वा को खा जाएंगी। इस मछली का मुख्य भोजन मच्छरों का लार्वा है। इस मछली की सबसे खास बात यह है कि यह अंडे नहीं देती हैं, बल्कि बच्चे देती हैं। पानी पर अंडे देने वाले मच्छरों के लार्वा को ही मच्छर पैदा होने से पहले ही यह मछली चट कर जाएंगी और मच्छरों की बढ़ती तादाद पर रोक लगेगी। आपको बता दें, एक गम्बुसिया मछली 24 घंटे में 100 से 300 लार्वा खा सकती है। गम्बुसिया मछली को ग्रो होने में 3 से 6 महीने का वक्त लगता है। यहाँ शहर के बीच में इस तालाब में गम्बुसिया मछली यहाँ पर छोड़ी गई है और इसका ये लाभ है कि डेंगू का जो लार्वा है, जो तालाब में या खड़े पानी में होता है, उसको ये खाती है। तो ये मछलियाँ जो हैं, ये बहुत ही जल्द इस तालाब के अंदर जितना भी लार्वा यदि होगा डेंगू का, तो उसको ख़त्म कर देगी, खा जाएगी। इसी तरीके से जनपद में जो हमारे 13 गाँव इस टाइम पर इफ़ेक्टेड हैं, उन सभी 13 गाँव के तालाबों में भी ये पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मछली को, गम्बुसिया मछली को छोड़ा जा रहा है, ताकि उन गाँव के तालाबों में भी कहीं पर भी लार्वा जो है डेंगू का, वो बचा ना रह पाए। सितंबर का महीना इसीलिए अच्छा भी है क्योंकि एक ये मछली लगभग 100 से 200 अंडे देकर और प्रजनन के बाद 100 से 200 गुना हो जाती है। तो यहाँ 500 मछलियाँ अभी छोड़ी गई हैं इस तालाब में। ये 500 मछलियाँ 50,000 से लेकर 1,00,000 में इसी महीने के अंत तक ये बढ़ जाएंगी और यहाँ का जो लार्वा है उसको अभी तत्काल ये मछलियाँ जो है खाकर ख़त्म कर देंगी। प्रत्येक मछली प्रतिदिन 250 लार्वा खाने की इनकी क्षमता रहती है। तो ये मछली हमारी डेंगू का जो प्रकोप है उसको रोकने के लिए बड़ी मददगार साबित। जनपद बदायूं से ये मछलियाँ जो हैं मंगाई गई हैं। 50,000 मछलियाँ यहाँ पर मंगाई गई हैं। सभी ब्लॉक्स में ये डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और सभी जो गांव प्रभावित हैं वहाँ वहाँ पर उनके तालाबों में इन मछलियों को छोड़ा जा रहा है। ये जानकारी जो है हमें एक्सपर्ट्स के द्वारा मिली कि ये मछली जो है ये डेंगू का लार्वा जो है खाती है और उसके फलस्वरूप जो डेंगू के मच्छर का जो पनपने की जो स्थिति है उसको काबू में पाने के लिए ये मछली बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसीलिए ये गतिविधि पूरे जनपद भर में सभी तालाबों में की जा रही है।